देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूँ आपकी दोस्त पवनीत कौर और आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम सीखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, 4, 7, 3, 1, 9। अब यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है। अब हम इन नंबर्स को यानी कि ट्रेन के पैसेंजर्स को ट्रेन में बैठा देते हैं। 4, 7, 3, 1, 9। अब हम एक बार चेक करते हैं कि कौन सा नंबर कौन से डिब्बे में है। तो 9 वंस वाले डिब्बे में है, 1 टेंस वाले डिब्बे में है, 3 हंड्रेड्स वाले डिब्बे में है, 7 थाउजेंड्स वाले डिब्बे में है और 4 टेन थाउजेंड्स वाले डिब्बे में है। अब हम बारी बारी से इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब सबसे पहले हम 9 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब ये कौन से डिब्बे में है, ये है वंस वाले डिब्बे में। अब हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 9। तो 9 की प्लेस वैल्यू है 9। उसके बाद यहाँ पर है 1। अब अगर हमें 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 को अभी कौन से डिब्बे में है, ये टेंथ वाले डिब्बे में है, तो हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 10 और 1 की प्लेस वैल्यू है 10। फिर है यहाँ पर हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 3 की प्लेस वैल्यू सेम निकलेगी, तो ये हंड्रेड्स वाले डिब्बे में है तो हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 300। अब 3 की प्लेस वैल्यू है 300। फिर यहाँ पर है 7। अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, अब ये 1000 वाले डिब्बे में तो हम 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 7000। 7 की प्लेस वैल्यू है 7000। अब यहाँ पर है 4। अब हमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ये 10000 वाले डिब्बे में है तो हम 4 को 10000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 40000। तो 4 की प्लेस वैल्यू है 40000। अब ये होता है प्लेस वैल्यू। अब हम कुछ और एग्जांपल की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। अब हमारे दूसरे पैसेंजर्स ट्रेन में बैठ गए हैं। अब हम इनकी भी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वंस वाले डिब्बे में है 1, तो सबसे पहले हम इसकी ही प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये वंस वाले डिब्बे में है तो हम 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1। तो 1 की प्लेस वैल्यू है 1। अब नेक्स्ट है 6। अब 6 टेंस वाले डिब्बे में है तो हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 60। अब 6 की प्लेस वैल्यू है 60। अब नेक्स्ट है 4। 4 हंड्रेड्स वाले डिब्बे में है तो अब हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा 400। तो 4 की प्लेस वैल्यू है 400। अब है यहाँ पर 5। 5 थाउजेंड्स वाले डिब्बे में है तो हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 5000। तो 5 की प्लेस वैल्यू है 5000। ये है इनकी प्लेस वैल्यू। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।